सीए भिलाई ब्रांच द्वारा शनिवार को सिविक सेंटर सीए भवन भिलाई में नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सीए ब्रांच भिलाई रायपुर और बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में भिलाई ब्रांच की वुमेन व यंग मेंबर्स सशक्तिकरण कमेटी के द्वारा अगस्ती कनेक्ट इंस्पायर एम्पायर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी शामिल हुई। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सीए भिलाई ब्रांच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट है। सीए का यूपीएससी से कम नहीं है, बल्कि उससे डिफिकल्ट एग्जाम होता है। ये हर किसी के बस की बात भी नहीं। ये संस्था बहुत अहम रोल अदा करती है अगली पीढ़ी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को तैयार करने में। इस वक्त देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, खासकर जब से जीएसटी लागू हुआ है। हर दुकानदार आज जीएसटी दे रहा है, उनके अकाउंट्स को मेंटेनेंस करना आसान नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट है ये, जबरदस्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल प्ले, ये बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने जैसे बताया, ये यूपीएससी से कोई कमजोर नहीं है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, हर एक के बस का नहीं है। और ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है अगली पनीरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी तैयार करने की, स्टूडेंट्स को तैयार करने की। और इस वक्त आप देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। जब से जीएसटी खासकर आई है, आज तकरीबन हर आदमी, तकरीबन एक तो इनकम टैक्स पेयर की नंबर बढ़ गया, दूसरा ये कि हर दुकानदार आज जीएसटी दे रहा है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना ताकि कायदे से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जाए। और जब सरकार को रेवेन्यूज जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, देश की प्रगति होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। मैं देखती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत लायक है, बड़ी खुश हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत सक्षम है। मैंने देखा है बहुत, और तंदुरुस्त भी अच्छी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, फिट लुकिंग भी है। इस कितना सुरक्षित शहर है भिलाई, तो कितना सुरक्षित शहर है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। हमारा देश सुरक्षित है, बहुत ज़बरदस्त सुरक्षित है। टेंट्स होना के ये थोड़ी मतलब सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ ने भी बहुत तरक्की करी है सुरक्षा। मैम, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में लगातार भिलाई और देश भर में अलग अलग प्लेयर निकल, आप भी एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे और खासकर महिलाओं के लिए? स्पोर्ट्स तो ये है कि जब माँ बाप खेलने दें, स्कूल खिलाए, यूनिवर्सिटी में अगर स्कॉलरशिप मिले या प्रोत्साहन मिले तो कौन नहीं बचा। देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव की बात नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने से आपका चरित्र निर्माण होता है। विवेकानंद जी ने यही कहा था, मुझे भगवान से पहले, मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दे दो, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो खिलाड़ी होता है उसको जो किताबों में नहीं मिलता वो प्ले ग्राउंड से मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा हिम्मती बनते हैं, डिसीजन मेकिंग बनते हैं, स्टेमिना बनता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और अच्छी, और रूल बाउंड होते हैं, आप कानून का फॉलो करते हैं। आप चीटिंग करके पास नहीं हो सकते, चीटिंग करके नहीं जीत सकते, कैमराज वॉच करते हैं, लोग वॉच करते हैं, तो आप कानून के अनुसार दायरे में डिसिप्लिन आता है। सो इसीलिए स्वामी जी ने यही कहा था कि मुझे मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दो, और फुटबॉल